सकते लाज मेरी आज बन के कलयुगी ना और ससुरी बहू के रिश्ते में नहीं लगाओ स्वीकार करो नहीं तो आज मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती प्यार करूंगा। ससुर जी तुम्हें तो ऐसी बात कहते हुए चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना चाहिए ससुर जी। अरे मैं आपकी बेटी समान हूँ, ऐसी बातें आप कर रहे हैं। खबरदार, अगर दोबारा जवान निकाला बेटी का तो बहुत बुरा होगा, सुन मेरी बात। चाले ना कोई तेरे भगवान से भी ना डरता हूं। कार खोल के सुन लो, मेरा नाम कालीचरण कसाई है, मैं जो चाहता हूं वही होता है। मेरे खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश किया तो समझ लो कि मुझसे बिना कोई नहीं होगा। जा चला जा इसी में आज भलाई तेरी, जा चला जा इसी में भलाई तेरी। क्या रे, किस कढ़ैया की बात करती है? उस साले माखन चोर की मेरे सामने कोई नहीं आएगा, वो मेरा नाम सुनते ही साला 20 कदम पीछे हट जाएगा। अभी भी मौका है, एक बार प्यार से गले लग जाओ, नहीं तो आज कल चलो जबरदस्ती अपने दिल की हवस पूरी करेगा। सो कमीने कुत्ते, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। मेरी बात आ तुझको मना होगा। देखता हूं कौन साला तुझको बचाने आता है। अरे राम हो एकरे शरम ना लाग कोने हर जाई के कर हर जाई बेस्या। बोल का गलती हमार मन से दुखेस रे। नहीं ससुर जी को सासू जबरन सता,
सासू माँ बलकुन बलकुन मेरे कमरे में ससुर जी आकर मेरे इज्जत से खिलवाड़ करने लगे। सासू माँ सही बोलत बाटी रे, सही बोलत बाटी। सासू माँ मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ सासू माँ, मैं सही बोल रही हूँ सासू माँ। चल उधर चल, चलो चल। का हो? हाँ बोलो। अरे हम मर गए यही को? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बात है बोलो? अगर हमसी अंग्रेजी छाटे चले हैं। अरे बोलो कि क्या बात है? ये बतावा हम तो का नार निकले आगे थी का? अरे मुझको तो बहुत अच्छी लगती हो। ये बतावा ये कहा दिबा कि हमारे कमरे में आए ना हमारे साथे जबरदस्ती करे चाहत रहे? ये बताओ क्या तुमको विश्वास है मैं ऐसा कर सकता हूँ? हमका ना ही विश्वास बा। देखो मैं आया घर पे तो तुम नहीं थी। का कहा चाहता ये? चाचा हाँ बोल। माई है ऐसे ऐसे कैसे करा दिया? तुझको नहीं मालूम है सारे? उनकी हमेशा की आदत है, उनकी कमर में चोट आई है जब मालूम है ना। अच्छा अच्छा चाचा ये बतावा माई तुम्हों का कैसे लगा थी? कैसे लगती है? साले तुमको क्या बताओ कैसे लगती है? बदतमीज कहीं क्या? माई हमके जना ना हाँ घोड़ी लखा। इतना जूता मारू का साले? देखो मैं जब आया कि बहू एक गिलास पानी लाओ, मैं इससे पानी मारा। अरे चांदालिन मुझसे उल्टी सीधी भाषा बोलना शुरू कर दिया। इधर चला था हमारा ही मन से धू तो का निक लागा था। करे बाप है ना तोर, बाप है तू हर जाइया और रोड को इतना तो छिनार निकल गए रंडी। ए मनुआ खबरदार हम चबाई ना तो का कच्चे चबा। एक बात कह दी माई हाँ बोल। आते दुपस्ता मेहरारू के मारा दिया हा। तोरा भगवान चाहे कभो ठेपी न खोली। दादा की दाढ़ी में चाहिए सर यहाँ वो हाँ बोलो का किया जाए करे साथी? देखो कोई ऐसी चाल चलो ना रहे बास और ना बजे बांसुरी। धोतिया पकड़ सोची ना। हाँ बोलो। हमारी है विचार कहत बा रंडी एक जान से मार डावा। सही कह रही हो। जान से मार डावा रहे बांस न बाजे बांसुरी। कौन आगे? भगेलू विश्वकर्मा, भगेलू विश्वकर्मा भैया नरीपुर वाले साहब आगे जोर माई के ऐसे 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 करता है डायल पे। अच्छा कहन है दया शंकर भैया जवान है सुबेरे ए भाई चोर सुबेरे पानी झरी ही कहन है भगेलू विश्वकर्मा भैया देत है 11 रुपये उपस्कार 100 रुपये से 11 रुपये उपस्कार पार्टी के तरफ से बार बार नमस्कार पहुंचे कहे माई तो है जवान ऐसे ऐसे बस
सड़ी आलू वाले कहे ना थे कि माई के पानी ढील दे ही। अबे माई के पानी चमड़ी नेर ले ब्रे हड़िया से। एक बात कही गई माई। हाँ बोल क्या? तू यहाँ से जा। जाता ही। हाँ बाजार जाना है, चला जा सब्जी लेने। दस दस रुपया। जाओ घर पे अलमारी में पैसा रखा हुआ है, खोल करके ले लेना, ठीक है? जाओ। क्यों मेरी रानी से मिला? देखो समय नहीं है, जल्दी करो। ज्यादा देर दिन करा अरे मार डाल करंडी हरा। नहीं सासु माँ अरे कैसे चलना देखी तही नोखे यार नहरा रू है रे। अरे हम हूँ तू नहीं न पाही मिले आज हमार बुढ़ाई आई जब रोन कभी पियो हो। अरे गला मेरी माँ का ना आजी तबाना समझा नहीं और हम लोगों को मारना शुरू कर दिया। मुझसे तो सुने बहुत महंगी पड़ेगी रे। अरे सुभमुआ अरे बेटवा अरे नाती प्यार से पूछे होता हमार बात सुना बेटवा। और आखिर क्या कहना चाहती हूँ? अरे तेरी माँ सुभमुआ बड़ी है आवारा तेरी माँ सुभमुआ अरे बड़ी है आवारा बेरहमी से बाबा को तेरे है मारा। अरे थोड़ा दबारे आया बोल लल्ला अरे मोर भैया। देखिए आजी हमसे अगर गलती हो गई है तो हमें क्षमा करो, लेकिन पहले मैं अपनी माँ से सारी बात पूछना चाहूंगा। ए बेटवा हे नाती ओकर चिता पगलान बा ओले ज्ञान तब
बोले तान वसी कुछ पूछा उछा जी बहुत हर जाए रंडी हर। चुप रहो, अपने जवान को कम से कम सुधारो। बार बार माँ को गाली देती चली आ रही हो और माँ की गलती भी निकाल रही हो। क्या हमारे लोगों की बात पे तुमको विश्वास नहीं है? क्यों नहीं विश्वास है तो? लेकिन मैं माँ से बगैर पूछे मुझे विश्वास नहीं होगा दादा। ठीक है, अगर यही बात है पूछो, जल्दी करो। अरे राम हो माँ, अरे ओ माँ, तेरा बेटा तुझसे कुछ पूछना चाहता है माँ। शुभम मारे पापा को तूने है किस लिए है दिया, आज सचमुच न मुझसे बताई, अगर पापा को मार मैया दादा दादी को क्यों, दादा के ऊपर क्यों हाथ उठाए और पिताजी के नाम क्यों इतना खराब कर रही हो मां? तो सच बताती हूं बेटा शुभम, मैं तुझे दादा को मैंने तेरी है मारी क्यों, मेरे कमरे सताने लगे इसलिए दादा को मैंने मारी। क्या कर रही हूं मां? हाँ शुभम बेटा, तेरे दादा मेरे कमरे माकर मेरे इज्जत से खिलवाड़ करने लगे शुभम, इसलिए तेरे दादा को मैंने मारी हूँ शुभम। इतने में नहीं शुभम, इतने मार सासु माँ आई, मेरा दब गला दाब के जान से मार देना चाहती थी शुभम। तो का चबात यहाँ क्या दारी? मेरी माँ सच कह रही है। अरे का सच कहो, सच का बहुत सच बोला, का सच कहे सर? मेरी बात सुनो दादी, राजा जी को समझाता है शुभम, जाओ मनहूस चेहरे को लेकर निकल वरना शुभम मार दे। अरे इतना तुम्हें आए पहचान में ना ये चेहरा तेरा। क्या हो रहा शुभम, पागल हो गया है? मेरी माँ की इज्जत से आप खिलवाड़ करना चाहते थे? तुम लोगों की भलाई है कि हाँ अपना मनहूस चेहरा लेकर चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। क्यों ये बताओ, हमारे लोगों के पास तो इसका विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं विश्वास। ऐसा काम कर सकते हैं? क्या मेरी माँ झूठ बोल सकती है? हाँ बिल्कुल झूठ बोल रही है। आप भी झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, अरे राम जा तो रहा हूं लेकिन कान खोल के सुन लो, अगर इस सब बात का बदला ना लिया तो मेरा नाम कालीचरण कसाई, मैं भी आपका ही खून का बेटा हूं, मैं आपका बदला देख लूंगा, चले जाओ यहां से। क्यों जी? बहुत बढ़िया के है भैया। तो आप कहाँ थे? ये चाचा साला घर में करता है बहुत आचा पाचा।
चाचा आचा पाचा कर रहा था तो तुम कहाँ कहाँ गए थे? भैया हम घरवा में आलू नहीं को लाच रहे। वो किस लिए? जला तहा चोखा बनाए तो आराम से लिट्टी भौरी लगाए चापी। यार ये तो पेड़ की पड़ी है। हाँ। हम आके इज्जत के साथ खिलवाड़ होने जा रहा था। यानी कि भौजी के ऊपर हाथ लगाए गए है? हाँ। तो हर दादाजी दादाजी बहुत ही मैं कभी भी ऐसा नहीं समझा था अपने दादा को। इसमल्ला भाई तू तो चला रह गया, हम होते साले के अंदर घुस को होटल खोल दी। और देखो दादी की भी ये मजाल कि दादा के कहने पर मेरी माँ को मारने चली थी, उसे चाक हम जान से मारना चाहती। एक बात कहे भाई से है हरावा चाची ना एक नंबर के बदमाश लागा थी। लगती है कि है हवा है क्या अंजादे का भैया? तो तुम कैसे अंदाज लिए? उनके चाल ढाल से। अरे मोनू हम भी जानते हैं कि हमारी दादी सौतेली है, अगर सगी होती तो अपने औलाद की औलाद को मानती, अपनी बहू को बहू मानती, लेकिन वो सौतेली है, सौतेला पंथ जरूर दिखाएगी। ये बात सही कि हाँ भौजी से अवल लिया चली भैया कुछ हाल पता साला कहाँ कहाँ चूहे उसका। सही है माँ। सुबह माँ शुभम बेटा अगर तू आज ना आया होता तो तेरी माँ इस दुनिया में आज के बाद नहीं दिखाती। शुभम नहीं माँ तेरा है बेटा, हमेशा तेरा साया बनकर रहेगा माँ। मैं जानती शुभम तुझे भूख लगी होगी, चलो तुम्हें खाना खिलाती हूँ शुभम। हाँ माँ चल। गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा, गमों ने आगे हमारी माननीय महोदय पवन विश्वकर्मा जी ये आप लोग के सामने पवन में युग संसार ये बाबूजी यही चिरकुट्टी पीर का दुकान है। ये बाबूजी भाई भाई होता है बेटा माँ माँ होती है, मुड़ा ये बेटे और माँ के सिंह देखते हुए बाबूजी 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। गंगा जमुना में पानी है बापू जी आपकी जिंदगानी रही। दो बाबूजी जो कि ये रायपुर के निवासी बाबूजी इमा बेटे को सीन को देखते हुए खुश होकर 50 रुपए से 21 रुपए का